ग्रीन बिल्डिंग सेंटर घरे मापना भरोसा कर सकी थे हमारे उत्पाद हाँ ACC ईंट ग्रीन पेवर्स ACC ग्रीन प्री कॉस्ट बाउंड्री वॉल लाल ईटन से सस्ता चार गुना मजबूती एवं ACC के विश्वास पता है उड़गड़ी बरगवा सिंगरौली। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है। रीवा में बता दें कि भाजपा कार्यकर्तन के खासा विरोध के सामना करे पड़ रहा है। मऊगंज के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी का बता दें कि पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के ऊपर सांसद जनार्दन मिश्रा और सिरमौर विधायक देवराज सिंह के खिलाफ अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल करे के आरोप लगा है, जिसके बाद BJP कार्यकर्तन के आक्रोश फूटा है। कार्यकर्तन के द्वारा नारेबाजी की गए दौरान विधायक के खिलाफ FIR तक दर्ज करवावे के मांग की गई है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल महापूजा अपना पंचे सभी का प्रणाम कही थे शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि रीवा जिला के मऊगंज से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के एक वक्तव्य दिए के बाद मुश्किल बढ़त नजर आवा लाही है। बता दें कि सिरमौर क्षेत्र में इनकर जम के विरोध हो रहा है। भाजपा कार्यकर्तन की आरोप है कि पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के द्वारा सांसद जनार्दन मिश्रा और सिरमौर विधायक देवराज सिंह के खिलाफ अमर्यादित शब्द के इस्तेमाल किएगा। दो दिन पहले यही वक्तव्य के अतरेला क्षेत्र में खासा विरोध कीनगा रहा, जहां अतरेला थाना में पहुंच के स्थानीय भाजपा नेतन के द्वारा ज्ञापन दे के FIR दर्ज करवावे के मांग उठाई गई रही। शुक्रवार का ये विरोध के आज बता दें कि सिरमौर होके बैकुंठपुर तक पहुंच गए, जहां आधा सैकड़ा भाजपा इन के द्वारा बैकुंठपुर थाने के घेराव के ज्ञापन देगा। भाजपा नेतन के द्वारा कहा गया कि अमर्यादित शब्द कतई बर्दाश्त न कीन जाएगी। वह कार्यकर्तन के द्वारा यह मांग की गई है कि दोषी पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। बता दें कि 2008 के विधानसभा चुनाव में उमा भारती के जनशक्ति पार्टी से लक्ष्मण तिवारी विधायक बने रहे। वह सिरमौर मंडल अध्यक्ष विजय सोनी के द्वारा बतावा गया कि पूर्व विधायक के द्वारा सिरमौर विधायक देवराज सिंह के खिलाफ अमर्यादक भाषा के इस्तेमाल किएगा, जिसे पूरे कार्यकर्ता बता दें कि क्षेत्र के दुखी हम्मा एक बात कले के पुतला दहन गई कि बैकुंठपुर थाना में उनके खिलाफ FIR दर्ज करवावे की मांग की गई है। जबकि पूरे मामले में पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी के द्वारा सफाई देंगे, उनके द्वारा कहा गया कि उनका इरादा केहू का अपमानित करे के नहीं रहा। दभौरा स्टेशन में ट्रेनन के ठहराव की मांग करे के बता दी कि 27 फरवरी 2023 का ज्ञापन दिन गया रहा, तब रेलवे के द्वारा एक महीना के समय दई के क्षेत्रीय जनता से जल्द स्टॉपेज के वादा किया गया रहा। और इस सिनेमा बीते दिनांक 24 मार्च का केंद्रीय मंत्रालय रेलवे बोर्ड के द्वारा दभौरा में 3 ट्रेन के ठहराव निर्धारित किया गया है। तो सजग रहिए और सतर्क रहिए, रखिए अपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। अभी डभौरा में कुछ ट्रेनें नहीं रुक रही थी, जिसके लिए हमारे रीवा संसदीय क्षेत्र के लोग की सांसद आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी एवं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के लोग की विधायक माननीय दिव्राज सिंह जी केंद्रीय मंत्री जी से बात करके और ट्रेन का ठहराव किए। उसी में हरी झंडी जब माननीय विधायक जी और सांसद जी दिखाए, जिसके बाद मीडिया में लक्ष्मण तिवारी जी द्वारा हमारे नेता जो आदरणीय सांसद जी और विधायक जी हैं उनके खिलाफ अपशब्द भाषाओं का प्रयोग किया गया। उसी के खिलाफ हम लोग आज बैकुंठपुर थाना में FIR दर्ज करा रहे हैं। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, इन सभी में रोजगार की अपार संभावना। कल्पना और तकनीक का अद्भुत मेल एरिना एनिमेशन अब सतना में। यहाँ है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्नत कंप्यूटर लैब और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का साथ। ग्राफिक्स डिजाइनिंग, 2D एंड 3D एनिमेशन और VFX की अनूठी राह खोल देगी सफलता के नए द्वार। संभावनाओं का असीमित आकाश, एरिना एनिमेशन। एरिना है तो जॉब है।